हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। दोस्तों, आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम जानेंगे कि लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल कैसे क्रिएट करते हैं या फिर अपना अकाउंट कैसे बनाते हैं। दोस्तों, आप लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो अपने फ़ोन के ब्राउज़र से या फिर अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र से भी। लेकिन अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो ये जो तरीका है, आप अपने मोबाइल में सिंपल एक लिंक्डइन का एप्लीकेशन डाल के भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसको आपको प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे करके रखा हुआ है, प्ले स्टोर से मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से सिंपली इसको ओपन करना है। ठीक है, चलिए मैं फटाख से इसको ओपन करता हूँ। यहाँ पर हमारा ओपन हो गया। अब यहाँ पर आपके सामने कई सारे तरीके देखने को मिलेंगे। या तो ये बोलेगा कि चूज़ एन अकाउंट, अगर आपके पास कोई ईमेल आपका लॉगिन है आपके फ़ोन में, तो यहाँ पर सिंपल आप गूगल से भी कंटिन्यू कर सकते हो, या तो आप ज्वाइन नाउ पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए मैं भी क्या करता हूँ, ज्वाइन नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। अगर आपको सिंपली ऐसे ही बना लेना है तो आप गूगल से भी कर सकते हो, जिसमें आपको वेरिफिकेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो यहाँ पे ज्वाइन नाउ पे क्लिक करता हूँ। ज्वाइन नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना नाम फिल कर देना है, जो भी आपका नाम है वो आपको नाम यहाँ पे डाल देना है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। उसके बाद आपको क्या करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये आपसे ईमेल पूछेगा या तो फ़ोन नंबर पूछेगा, तो आप जो चाहो वो यहाँ पे प्रोवाइड करा सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपल यहाँ पे अपना एक ईमेल कोई डाल देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपना ईमेल डाल देता हूँ। ईमेल डालने के बाद सिंपल यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे ये पासवर्ड पूछ रहा है कि आप कोई पासवर्ड अपना सेट कर लो। तो यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे कोई अपना पासवर्ड डाल देना है। तो चलिए मैं भी यहाँ पे अपना पासवर्ड कोई डाल देता हूँ। तो यहाँ पे पासवर्ड कोई डालने के बाद रैंडम कोई आपको पासवर्ड चूज कर लेना है, और यहाँ पे आपको एग्री एंड ज्वाइन पे क्लिक कर देना है। पासवर्ड यही आपका हमेशा लगेगा, तो इसको आप याद रखिएगा। यहाँ पे दोस्तों आपके सामने ऐसा भी आ सकता है वेरिफिकेशन के लिए, तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये बोल रहा है पिक द इमेज दैट इज करेक्ट वे अप। तो यहाँ पे मुझे ये वाला इमेज ठीक लग रहा है, तो आपके सामने भी ऐसा कुछ आ सकता है। तो यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन अपना कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, कंफर्म योर लोकेशन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको अपना लोकेशन जो है वो डाल देना है, यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे ये बोल रहा है कि योर प्रोफाइल हेल्प्स यू डिस्कवर पीपल एंड अपॉर्चुनिटीज़। तो यहाँ पे आप अगर स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे आपको यस कर देना है, और यहाँ पे अपना सब कुछ फिल कर देना है। लेकिन अगर आप वर्किंग हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, तो इसके लिए आपको मोस्ट रिसेंट जॉब का यहाँ पे टाइटल डालना होगा। तो यहाँ पे अगर आपने कभी कोई जॉब किया हुआ है तो यहाँ पे आप डाल सकते हो, या तो अगर आपने कभी जॉब नहीं किया है तो आई एम ए स्टूडेंट पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पे यूनिवर्सिटी और स्कूल का यहाँ पे नाम दे दोगे। उसको सर्च कर लेना है, आपको अपना जो भी यूनिवर्सिटी है उसको यहाँ पे सर्च कर लेना है। तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हो, अगर आ जाए तो ठीक है, नहीं आता है तो आपको ऐसे उस पर क्लिक कर देना है। डिग्री आपको यहाँ पे जो भी आपने किया हुआ है यहाँ से वो आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो भी आपकी डिग्री यहाँ पे डाल देना है। स्पेशलाइजेशन यहाँ पे आपको डाल देना है, जैसे कि तो यहाँ पे आपको जो भी आप करते हो यहाँ पे डाल देना है। स्टार्ट ईयर, आपने जिस ईयर में स्टार्ट किया था कोर्स करना या फिर जो भी करना, आप जो भी उस कोर्स में कर रहे हैं वो यहाँ पे आपको सेट कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे आई एम ओवर 16 पे यस करके यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है। मैंने ये जब जो ग्राफिक डिजाइनिंग है ये मैंने किया हुआ है कहीं अदर साइड से, वहाँ से यूनिवर्सिटी से नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको अपना एक फ़ोटो यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, इसकी फॉर नाउ कर सकते हो या फिर ऐड ए फोटो पे आप क्लिक करके ऐड फोटो भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसकी फॉर नाउ कर देता हूँ, और यहाँ पे इंटर द वेरिफिकेशन कोड, आपको अपने ईमेल पे वेरिफिकेशन कोड मिला हुआ है ये आपको डाल देना है 393153। ये मेरा वेरिफिकेशन कोड है, तो ये आपके लिए काम नहीं करेगा, आपके ईमेल पे जो वेरिफिकेशन कोड आया होगा उसको आपको यहाँ पे डालना है 393153। तो यहाँ पे हमारा जो ईमेल है वो कन्फर्म हो गया है। आर यू लुकिंग फॉर ए जॉब, तो यस आई एम एक्टिवली लुकिंग फॉर ए न्यू जॉब। तो यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अगर आपको जॉब नहीं चाहिए तो यहाँ पे नॉट रियली आप चूज कर सकते हो, या फिर इसकी फॉर नाउ भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ,
यहाँ पे यस करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको अपना लोकेशन यहाँ पे ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं एक लोकेशन और डाल देता हूँ, गुरुग्राम का, और यहाँ पे डन पे क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पे दोस्तों आप जो भी लोकेशन चूज करना चाहो ना, तो यहाँ पे आप लोकेशन डाल सकते हो, और यहाँ पे जॉब टाइटल्स भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो जैसे कि मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ बाय प्रोफेशन, तो यहाँ पे मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग चूज कर लेता हूँ। और यहाँ से आपको क्या करना है, डन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, डन पे क्लिक करने के बाद आई एम ओपन टू रिमोट वर्क, इस पर भी आप चाहो तो चूज कर सकते हो। अगर आप घर से काम कर सकते हो तो रिमोटली वर्क कर सकते हो, तो ये इसको भी चूज कर देना। और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद गेट नोटिफाइड व्हेन न्यू जॉब आर पोस्टेड, अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी जॉब चाहिए होगा तो इसको आपको ओपन करके रखना है, और रखना ही है अगर आपको जॉब चाहिए होता है तो, नहीं तो इसको आप बंद भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम ऑन ही छोड़ देंगे इसको। और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हो कि इसके बाद आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आपको इसको ऑन ही रखना है और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको कॉन्टेंट को इम्पोर्ट करने के लिए बोलेगा, तो आप इसको कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, तो मैं इसको काट देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई मतलब नहीं कॉन्टेंट से। और फाइनली हमारा यहाँ पे प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट हो गया है। लेकिन अगर आप अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे और चीज़ बताएगा, और चीज़ पूछेगा, और यहाँ पे आपको और चीज़ें जो भी आप करते हो या फिर जो नहीं करते हो यहाँ पे आपको इसका आंसर दे देना है। और लगभग हमारा प्रोफाइल जो है अब कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे और भी चीज़ें हैं जो कि अगर आपको कुछ दिक्कत आती है लिंक्डइन पे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बना दूंगा, ताकि जिससे आपका हेल्प हो सके लिंक्डइन को लेकर। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।